नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इनसाइड न्यूज अपडेट और मैं हूं साहिल मोटन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में भारत में 18,327 नए कोविड-19 मामले और 108 मौतें हुई। राहुल यादव ने आज विश्व जल सप्ताह की गतिविधियों को व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए जल शक्ति विभाग के संबंधित अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। सभापति नगर परिषद अनंतनाग और राज्य के पूर्व महासचिव कांग्रेस हिलाल अहमद शाह शुक्रवार को उन्होंने श्रीनगर में अपनी पार्टी का दामन थामा। लद्दाख में सुबह 5:11 झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आरएसपुरा कस्बे में वार्ड नंबर 4 स्थित में दुर्गा माता मंदिर में शनिवार को मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में निकाली सिलेंडर की अर्थी, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल थे। ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत थाना की सरपंच शक्ति वाला ने शनिवार को अपनी पंचायत के लोगों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना के तहत लोगों में कार्ड बांटे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली के सिविल अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। आरएसपुरा पुलिस ने तवी नदी में अवैध रूप से खनन निकालने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्राली किए जब्त। सफाई कर्मचारियों की चल रही काम छोड़ हड़ताल को लेकर आरसपुरा कस्बे में गंदगी के ढेर लगने के कारण दुकानदार तथा आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। आप इसी तरह देखते रहिए इनसाइड न्यूज अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार।